मेरा नाम है सतीश सोनी। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर्स और लाइफ कोच ट्रेनर हूँ। जीवन में छोटे छोटे किस्से, छोटे छोटे मुहावरे जो हमको सीख देते हैं ना, वो बहुत बड़ी किताबें भी नहीं दे सकती हैं। जब कभी हमारे साथ अनहोनी होती है, कोई घटना हो जाती है, तो हम कहते हैं कि यार, हम छोटे छोटे किस्सों को याद करते हैं और एक उदाहरण वहाँ पेश करते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो सदियों से होता आया है, अगर अभी कोई हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको कह के हम आगे बढ़ जाते हैं, उस चीज़ का दुख उतना नहीं मनाते हैं। तो ऐसा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो आपका जीवन बदल देगा। बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा और सेवक अच्छे मित्र थे। राजा अपने सेवक से अनन्य प्रेम करते थे, उसे अपने साथ रखते थे, हरदम उसे अपने साथ रखते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में घूमने फिरने जाते थे। एक बार राजा शिकार पर गए और सेवक भी उनके साथ था। दोनों जंगल में घूमते रहे, पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। तब राजा को पेड़ पर एक फल दिखता है और राजा पेड़ से फल तोड़ते हैं और तोड़ के तुरंत काटते हैं। और जैसे ही राजा फल काटते हैं तो सेवक हमेशा की तरह हाथ आगे बढ़ा देता है और सेवक कहता है कि हाथ आगे करता है। राजा एक टुकड़ा उसके हाथ में रखते हैं, सेवक फट से खा जाता है, वो हाथ आगे बढ़ा देता है, फिर राजा उसको देते हैं, खा जाता है। इस तरह से करके राजा के हाथ में सिर्फ एक टुकड़ा बच जाता है। तो राजा गुस्से में कहते हैं कि यार, तुम कितने बेकार आदमी हो, मतलब ये फल की भूख मुझे भी लगी है और फल तुम अकेले खाना चाहते हो। तो सेवक जब तक ये बात कह रहा होता है राजा, फल की वो आखिरी जो टुकड़ा होता है वो अपने मुंह में डाल लेते हैं और जैसे मुंह में डालते हैं तो तुरंत राजा को उल्टी आ जाती है। तब राजा उससे कहते हैं कि यार, तुम इतना कड़ा फल कैसे खा रहे थे। और तब सेवक ने जो बात कही ना, वो जिंदगी में आपको काम आई है। सेवक कहता है कि महाराज, पूरी जिंदगी भर आपके मीठे फल खाता रहा और अगर एक कड़ा फल खा लिया तो क्या दिक्कत है। पूरी जिंदगी भर आपके मीठे फल खाता रहा और आपके खातिर आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, आपको उल्टी ना हो जाए, उसके खातिर एक कड़ा फल खा लिया तो क्या दिक्कत है। जीवन में जो लोग हमें जिंदगी भर साथ देते हैं, माँ बाप, आपके अच्छे मित्र, कभी कभी कोई ऐसी बात कर देते हैं, कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है जो उस कड़े फल की तरह होती है। तब आप क्या करते हैं कि जिंदगी भर उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितना गलत है ना। तो ये कहानी आपको याद दिलाएगी कि यदि जिंदगी भर जिनके साथ अच्छे मीठे फल खा रहे हो, एकाध कड़ा फल कोई बीच में आ गया तो सेवक बनकर खा जाना और कह देना कि यार, आपके तो जिंदगी भर मीठे फल खाए, अब क्या दिक्कत है, कड़ा फल खा लिया तो। ये कहानी आपको जिंदगी में हर दम काम आएगी। कभी किसी से एक छोटी सी बात के पीछे रिश्ते खराब मत करना, यहां पे ये कहानी काम आएगी।